स्किल डेवलपमेंट, ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास। मेरा नाम राधिका चुप है और मैं इंस्टीट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट की डायरेक्टर हूँ। आज मैं हमारे यहाँ जावेद हबीब जी आए हैं, उनका बहुत बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमारे सेंटर पे विजिट किया, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो बच्चों को हम फ्री कोर्सेज कराते हैं, उनमें ये जॉब रोल है मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट और भी बहुत से कोर्सेज हैं। मेन आज जो हबीब जी यहाँ पे हमारे पास आए हैं, हम इन बच्चों को बताना चाहते हैं कि कैसे हम इस प्रोफेशन में भी आगे जा सकते हैं। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर, सफर तेरा हुनर, हुनर तेरी कदर, कदर 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 रात की मेहनत रंग लाएगी, अब सुबह पे हक जता ले, अंधेरों से बढ़कर होती है उजाले की उमर, उमर तेरा हुनर, हुनर सिंपल है। पंजाब हमेशा आगे रहा है इस प्रोफेशन के अंदर, मतलब जब लोग हेयर ड्रेसिंग को जानते नहीं थे, पंजाब में लोग उसको जाना जाता था। और उसका रीज़न क्या था, बिकॉज पंजाब की हर फैमिली से एक इंसान बाहर है, तो मतलब यहाँ नॉलेज बहुत पहले आई थी, देन इंडिया में पहुँची है। दूसरी चीज़, बिकॉज मैं बालों की बात करूँगा, मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं बालों का डॉक्टर हूँ, और मैं डॉक्टर क्यों, बिकॉज मैं मानता हूँ कि इसके अंदर ज्ञान चाहिए। अगर मेरे फादर मुझे बाल काटना सिखाते, ये एक आर्ट होता, और मैं कहता हूँ ये साइंस, और साइंस के लिए पाठशाला जाना ज़रूरी है। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले, मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर, मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, तेरा हुनर, हुनर तेरी कदर, कदर तेरा हुनर, हुनर तेरा, तेरा हुनर, हुनर कहते जब मैं स्कूल जाता था, इनके जो फादर थे वो इंदिरा गांधी का हेयर स्टाइल उन्होंने बनाया था, इंदिरा गांधी का हेयर स्टाइल देखा ना, तो ये कहते मैं, चाहे मेरे पापा उस समय प्राइम मिनिस्टर के हेयर ड्रेसर थे, लेकिन मेरे को लोग नाई का बेटा, नाई का बेटा कह के छेड़ते थे। कहते मैंने उस प्रोफेशन को इतना हाई प्रोफाइल बना लिया कि आज जावेद हबीब जिस दुकान पे लिखा जाता है वहां लाइन लगती है। मैं तो रास्ते में पूछ रहा था, क्योंकि जब इनकी फ्लाइट आई तो मैं रास्ते में था, तो मैं इनके पास लेट पहुंचा, तो मैंने इनसे पूछा, मैं कहा हबीब साहब कितनी शॉप्स हो गई, कहते 900। मैं कहा इस साल में 1000 हो जाएंगी, तो इनका जवाब क्या था सुनिए, 2000 इंचर सैलून इंडिया में होने वाले हैं, और खुद विदेश से पढ़ के आए। कहां से पढ़ के आए सर?
लंदन से पढ़ के आए और जुबान जो आपको समझ आए उसमें समझा रहे। और मैं तो हैरान था, ये बिटिया चलो अपनी है, जब इसके बाल से पहले ये कैसी लग रही थी और वो बिटिया भी पहले कैसे लग रही थी और ये कैसे लग रही। इसलिए बाल एक साइंस है। क्या है? साइंस है ना। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं हाथ खड़ा करो, यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ मीन्स हमारे दोनों इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। तो आप सबने अपनी अपनी ब्यूटी पार्लर खोलना है या हेयर ड्रेसिंग शॉप खोलना है? खोलना है ना। आज के टिप्स जो हैं वो यूट्यूब पर भी पढ़ जाएंगे, वो हमारी फेसबुक पे भी आ जाएंगे, उनको बार बार देखिए, बार बार देखिए। और मैं इनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट जो सेशन आएगा पूरा चौकटा चेंज हो गया, हमारा एक एक स्टेप का होने वाली है और कोई चेकिंग नहीं है इस कट के अंदर। देखो कट में इतनी परफेक्शन है हमारी, कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। हां बेटा सर, मैं मेरी ड्राइंग है बेटा, क्या उसकी कोई वेरी वेरी फैंसी है, मतलब जी कोई लोग आओ फिर भी वो भी फिर भी आए। अब एक काम करें, जिसके बालों में ड्राइनेस है आप क्या करो, आप लोग मैंने कल ये वीडियो अपलोड किया है, आप लोग कंडीशनर और उसमें डालो कोकोनट ऑयल आधा कंडीशनर आधा कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाओ एट द स्पा शैम्पू से पहले और 5 मिनट के लिए छोड़ देना। अब शैम्पू करोगे आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। इट्स लाइक ए सॉफ्ट, वेरी वेरी सिल्की सॉफ्ट।